हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक डाइट प्लान के बारे में। आयुर्वेद की जो एंशियंट साइंस है हमारा, उसमें कैसा डाइट प्लान सजेस्ट किया गया है, और हर इंसान ऐसा चाहता है कि वो मोटा ना हो। जो लोग मोटापे से पीड़ित है, वो चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से पतले हो जाए और हमें हमारी लाइफ में कभी भी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि उनकी जिंदगी जो है वो बीमारी के बगैर गुजरे। तो आज आपके सामने मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे आयुर्वेदिक डाइट प्लान को लेकर के जो आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और खुद को फिट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसको शेयर करें और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ जंक फूड के बारे में, जो सॉसेस और विनेगर्स ऐड करके जो बाहर खाना बनाया जाता है, जो हमारे लिए अनहेल्दी खाना है, वो हमें नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेदा में बताया गया है, क्योंकि उसकी वजह से शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं। आयुर्वेदा सिर्फ आपको फूड ही सजेस्ट नहीं करता है, लेकिन आयुर्वेद आपको सजेस्ट करता है खाना कैसे खाना है और क्या खाना है। सो फ्रेंड्स, आज हम ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे कि हमें जो खाना खाना है वो कौन से टाइम पे खाना खाना है। क्योंकि स्पेशली क्या होता है कि कुछ लोग हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन वो हेल्दी खाना खाने के बावजूद भी अगर रॉन्ग टाइम पे वो हेल्दी खाना खाना खाया गया है, तो वो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स को पैदा करेगा, और कुछ ऐसी टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में होगा जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि हमें खाना कब खाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, हमें खाना खाना चाहिए सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में। सूरज उगने से लेकर सूरज सनसेट होने तक का जो समय है, उसके बीच में ही हर इंसान को खाना खाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारा जो जठराग्नि है, हमारी जो पाचन शक्ति है, वो सूरज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर की ओर आता है, वैसे वैसे हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते 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 जो है वो पीक पे आ जाती है। जब सूरज पीक पे होता है, तो हमारी डाइजेस्टिव फायर पीक पे होती है। जैसे जैसे सूरज जो है वो अस्त होता जाता है, सनसेट होता जाता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर कम होती जाती है। इसीलिए जब हम सुबह में उठते हैं तो हमें भूख कम लगती है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से वो कफ का काल है। दोपहर का जो टाइम है, जब सूरज अपनी चरम सीमा पे होता है, तब वो गर्म होता है, वो पित्त का टाइम होता है, इसलिए वो हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो ज्यादा होती है। और शाम का जो टाइम है वो वात का टाइम है, क्योंकि सूर्य सनसेट हो जाता है, वातावरण में थोड़ी ठंडक हो जाती है, तो उस टाइम पे जो है वो वात का टाइम है, उस टाइम पे हमें भूख कम लगती है। इसी तरीके से सूरज की जो गति है, उसके हिसाब से सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में हमें खाना खाना चाहिए। अब हम अगर सनसेट के बाद रात को लेट नाइट खाना खाएंगे तो क्या होगा, सनसेट के बाद लेट नाइट खाना खाने से वो खाना हमें प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, और प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा खाना तो उसमें से आम पैदा होगा। अनडाइजेस्टेड फूड जो है, उसमें से जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, उसे आम कहा जाता है, और ये जब आम बॉडी में बढ़ता है तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज होते हैं। 90% लोगों को जो डिसीज होते हैं वो स्टमक की वजह से होते हैं। पेट में गया हुआ खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से 90% डिसीज स्टमक के थ्रू ओरिजिन होते हैं, पेट के थ्रू ही पैदा होते हैं। अब ये जो तरीका है सनराइज से लेकर सनसेट तक का, उसे हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है दिन में दो बार खाना, सुबह में और रात को। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम टेम्पररीली वेट लॉस तो कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को अगर हम अपनाते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो हम क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। और ये जो डाइट है वो सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं है, लेकिन हमारी जो माइंड, हमारी बॉडी और हमारी सूल, हमारी आत्मा जो है उसको भी प्रसन्न करता है, और हमें एक डीप लेवल तक का गुड फीलिंग प्राप्त करवाता है। अगर रात को हम कोई चीज खा सकते हैं, या रात को किसी चीज का हम अगर कंजप्शन कर सकते हैं, तो वो सिर्फ एक ही चीज है, जो है दूध। दूध का सेवन रात को करना आयुर्वेद के हिसाब से हितावह माना जाता है, क्योंकि दूध जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और दूध में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, वो दूध के न्यूट्रिएंट्स पूरी रात जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी को पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा, दूध पीने से हमें नींद भी अच्छी आती है, इसलिए रात को दूध का सेवन हम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें खाना
किस तरह खाना चाहिए। खाना हमें खाना चाहिए दिन में, अगर हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अगर इन तीन तरीके से अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो किंग जैसा होना चाहिए, हमारा लंच है वो प्रिंस जैसा होना चाहिए और हमारा डिनर बेगर जैसा होना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। ब्रेकफास्ट जो है, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, मतलब के किंग होता है उसका ब्रेकफास्ट बिल्कुल चूजी होता है उसका, और वेल बैलेंस्ड डाइट होता है जिसके जिसके फूड में सारे मिनरल्स से लेकर सारी चीजें बैलेंस्ड होती है। वैसा हम एक बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट हमेशा मॉर्निंग में करना चाहिए। लंच जो है वो प्रिंस की तरह करना चाहिए, क्योंकि प्रिंस जो है वो यंग होता है, एनर्जेटिक होता है, उसकी जठराग्नि, उसका डाइजेशन पावर अच्छा होता है, इसीलिए लंच हमारा हैवी होना चाहिए। हैवी मील ऑफ द डे शुड बी योर लंच। और इसी समय पे सन जो है वो पिक पे होता है, सन जब पिक पे होता है तो बॉडी में पित्त की वृद्धि होती है और पित्त की वृद्धि की वजह से अग्नि प्रदीप्त होता है। इसीलिए हम अगर बाहर का खाना भी अगर हम कुछ खाते हैं, जैसे कि तला फला खाना अगर हम बाहर का खाते हैं तो वो हमें दोपहर को खा लेना चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और डिनर शुड बी लाइक अ बैगर, यानी कि एक भिखारी जैसा हमारा डिनर होना चाहिए, बहुत ही कम और बहुत ही लाइट, क्योंकि सनसेट हो जाता है, सनसेट के बाद हमारा डाइजेस्टिव फायर वीक होता है, खुराक को पचाने की पेट की जो क्षमता है वो कमजोर होती है। इसीलिए शाम का खाना जल्दी होना चाहिए, सूर्यास्त के वक्त होना चाहिए, और शाम का खाना जो है वो हल्का होना चाहिए। और स्पेशली आयुर्वेद में कुछ चीजें ऐसी बताई गई है जो हमें डिनर में बिल्कुल नहीं खानी है। उसमें सबसे पहली चीज है बनाना, दूसरा है मूली यानी रेडिश, तीसरा है दही और चौथा है कुकुम्बर। ये चार चीजें एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, वात और कफ की, यानी कि वात की वृद्धि करने वाले और कफ वर्धक होते हैं, इसीलिए हमें ये चार चीजों का सेवन रात को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना कैसा होना चाहिए। हमारा खाना सात्विक होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और टेस्टी होना चाहिए। ये पांच क्वालिटी हमारे फूड में होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। आयुर्वेदा स्पेशली बताता है कि हमारा खाना जो है वो सात्विक होना चाहिए। ये पांच क्वालिटी हमें हर खाने में देखनी है। सात्विक का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे शरीर की तीन प्रकृति होती है, वात पित्त और कफ, इसी तरीके से हमारे मन की भी प्रकृति होती है, सत्व रज और तम। जो लोग सात्विक प्रकृति के होते हैं वो लोग धीर गंभीर होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। राजसिक प्रकृति वाले जो होते हैं वो थोड़े गुस्सेल होते हैं और तामसिक प्रकृति वाले लोग जो है वो आतंक मचाते हैं। इसीलिए सात्विक प्रकृति वाला खाना हमें खाना चाहिए। सात्विक खानों में खाने में क्या आता है, सात्विक खाने में होलसम फूड आते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, फ्रेश काउ मिल्क या लुगिन्स, ये सारी चीजों का हम समावेश जो है वो सात्विक खाने में कर सकते हैं। राजसिक खाना मतलब जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर आप मिर्ची और तेल और नमक डाल के उसको आप टेस्टी बना के पेट को अच्छा लगे वैसा बनाएंगे, उसको राजसिक खाना कहा जाएगा, जो सॉल्ट शुगर से ज्यादा भरा हुआ होगा। राजसिक खाने से जो है वो हमारा माइंड गर्म रहता है, दिमाग गर्म रहता है और राजसिकता बॉडी में बढ़ती है। और तामसिक खाना जैसे कि अल्कोहल, फ्रोजन फूड जो फ्रोजन करके रखा जाता है वैसा फूड, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव एडेड फूड, ये सारे फूड जो है वो तामसिक फूड है जिसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, हमें सात्विक खाना खाना है। दूसरा सीजनल खाना खाना है, ईट सीजनल फूड। सीजनल फूड हम खाते हैं उससे क्या होता है, हमें सीजनल फूड खाना है, नहीं कि फैशनल फूड खाना है। आजकल फैशनेबल फूड खाने की सिस्टम चली है। फरवरी की बात करें तो फरवरी जो है वो वाटरमेलन की सीजन नहीं है। अगर उस सीजन में आप फैशन के लिए वाटरमेलन खाएंगे तो वो फूड खाना इस सीजन के लिए सही नहीं है। इसीलिए जो सीजन है, विंटर है, समर है या मॉनसून है, उस सीजन में जो सीजनल फ्रूट्स है या सीजनल खाना है वही हमें खाना खाना चाहिए। जो फ्रोजन है, अगली सीजन का खाना जो फ्रोजन करा हुआ है वो उस सीजन में नहीं खाना चाहिए। तीसरा है लोकल फूड, हमें लोकल फूड का सेवन करना है। हम जो एरिया में रहते हैं उससे 100 किलोमीटर के रेडियस में जो खाना मिलता है उसे लोकल फूड कहा जाता है। लोकल फूड का हमें सेवन करना चाहिए क्योंकि लोकल फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए इजी टू डाइजेस्ट होता है, पचने में आसान होता है, क्योंकि हम जिस आबोहवा में रहते हैं उस आबोहवा के अनुसार वहां का खाना होता है, वो शरीर के लिए अच्छा रहता है। अगर हम गुजरात में रहते हैं और हम अगर पंजाब की चीज खाएंगे, पंजाबी खाना खाएंगे या साउथ इंडियन डिशेज गुजरात में बैठकर खाएंगे तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अगर हमें पंजाबी या साउथ इंडियन खाना है तो हमें पंजाब या तो साउथ इंडिया में जाके वो चीज खानी है, क्योंकि वहां के वेदर में वो चीज इजी टू डाइजेस्ट होती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि लोकल खाना खाएं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेश खाना खाएं। फ्रेश यानी कि
जो खाना आप घर में बना रहे हैं वो कुक होने के 3 घंटे के अंदर हमें खाना खा लेना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि 3 घंटे के बाद जो खाना आप पकाते हैं वो 3 घंटे के बाद सड़ जाता है, और सड़ा हुआ खाना खाने से पेट में टॉक्सिन्स यानी आम की वृद्धि होती है, और आम की वजह से हमें लॉन्ग टर्म डिसीज होते हैं। उसके बाद 5वीं चीज, खाना जो है वो टेस्टी होना चाहिए। हमें ये तो देखना ही है कि हमारा खाना टेस्टी होना चाहिए। अगर खाना टेस्टी नहीं है फिर वो भले ही फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, लेकिन अगर हमारे टेस्ट बड्स हमारे मुंह में उसको खाने की तलब नहीं पैदा होती है तो वैसा खाना खाने से भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं। तो ये 5 चीजें हमको जरूर से ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें खाना कितना खाना चाहिए। काफी लोग हमें आके सवाल पूछते हैं कि खाना कितना खाना चाहिए। देखिए, खाना खाने का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। खाना आप आराम से बैठ कर खाइए, हो सके तो जमीन पे बैठ के खाइए। खाना आप धीरे धीरे चबा चबा के लार के साथ आपका जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स करके धीरे धीरे पेट में उतारिए। खाना खाते वक्त टीवी बिल्कुल ना देखें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, बातें ना करें, खाना खाते वक्त पानी ना पिए, खाना खाने के बाद पानी ना पिए, और खाने में बिल्कुल अपने मन को लगा के रुचि के साथ धीरे धीरे आप खाना खाएंगे। आपका पेट, आपकी बॉडी जो है वो खुद आपको सिग्नल दे देगी जब आपका पेट स्टमक फुल हो जाएगा कि अब मुझे नहीं खाना है। तो खाना खाने का कोई माप नहीं है, हर इंसान अपनी जठराग्नि के अनुसार खाना खा सकता है, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि हमें ओवरफीड नहीं करना है, हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव फूड का इंटेक नहीं करना है। अब आगे आपको वाटर की बात बता दूं कि हमें पानी कैसे पीना है और पानी कितना पीना है। पानी कैसे पीना है? पानी हमें बैठ के आराम से सिप सिप करके घुट घुट करके पीना है। ऐसा नहीं कि हम खड़े हैं और ऐसे बोतल लिया और पूरा मुंह पे लगा के गड़गड़ गड़गड़ पूरा बोतल पी गए। धीरे धीरे आराम आराम से पानी पीना है। अगर स्पेशली अगर हम थर्स्टी हैं, बहुत हमें पानी की प्यास लगी हुई है, या हम कहीं बाहर से दौड़ के आए हुए हैं, कहीं बहुत हैवी एक्सरसाइज या हैवी वर्क करके आए हुए हैं, तब तो स्पेशली हमें शरीर में वात की वृद्धि हुई होती है, वायु की वृद्धि हुई होती है, इसलिए हमें बैठ के आराम से शांति से घुट घुट करके पानी पीना चाहिए। और स्पेशली उषःपान करना चाहिए। उषःपान का मतलब होता है जब हम सुबह उठते हैं तब ये एक ही ऐसा टाइम है कि जब हमें पानी की प्यास ना लगी हो तब भी कंपलसरी पानी पीना चाहिए। बाकी पूरे दिन में जब पानी की प्यास लगे तब भी पानी पीना चाहिए। सुबह उठ के अगर हमें पानी की प्यास नहीं लगी है फिर भी हमें पानी कम से कम 500 ml से लेके 1 लीटर यानी आधा लीटर से 1 लीटर पानी का हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि सुबह में जब हम आधे से 1 लीटर पानी का सेवन करते हैं तो बासी मुंह का जो थूक होता है वो पूरा का पूरा थूक हमारे पेट में जाना चाहिए, जो गुड होता है हमारी बॉडी के लिए और बहुत फायदा प्राप्त करवाता है शरीर को, इसलिए वो थूक हमारी बॉडी में जाना चाहिए। और उतना पानी जब हम पिएंगे तो वो पानी पेट में जाने से हमारे बोवेल्स जो है, हमारे इंटेस्टाइन है, वो अच्छे से मोशन करवा पाएंगे और पूरी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाएगी, और आगे के दिन का जो खाया हुआ खाना है वो पूरा डाइजेस्ट होकर बॉडी से निकल जाएगा। तो हमें जो पानी है वो बॉडी की नीड के अकॉर्डिंगली पीना चाहिए, लेकिन उषःपान यानी कि सुबह उठ के पानी जरूर से पीना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो की समरी में आपको फिर से बता देता हूं आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें क्या करना है। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में हमें सबसे पहले सुबह उठ के पानी का सेवन करना है, चाहे वो गर्म भी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट जो है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग फुल ऑफ न्यूट्रिशंस, उसके बाद लंच लाइक अ प्रिंस और डिनर लाइक अ बेगर। और हमें खाने की 5 चीजों का ध्यान रखना है। खाना हमारा सात्विक होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और टेस्टी होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल सैलेड्स और फ्रूट का जो सेवन है वो खाना खाने से पहले हम कर सकते हैं, और रात को जब सनसेट हो जाता है उसके बाद हम एक ही चीज का सेवन कर सकते हैं, वो है दूध, मिल्क का सेवन हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आशा रखता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।